सर्टिफिकेशन बिकम और बेच के देखो उसे टेन डे इंजीनियर बन जाइए टेन डे बॉलीवुड एक्टर बन जाइए मतलब मार्केटिंग में तो है बट इंडिया की पॉपुलेशन एक सौ बयालीस करोड़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट सात परसेंट है विच मेक्स इट टेन करोड़

मुझे चाहिए बड़ा बिजनेस का सक्सेस मॉडल वो दिखाते हैं मुझे एक बच्चे का सक्सेस मुझे बताइए बड़ा बच्चे से कितने बच्चे अप्लाई किए थे कितने बच्चे पढ़े हैं और उनका क्या हुआ है एट अवरऑल वो कभी नहीं दे पाएंगे It's a great question because मुझे कुछ सिमिलैरिटीज मिल रही है आईपीएम से बिकॉज कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही है कोई मेरे से पूछ रहा था वाई यू पिकिंग बिंद्र इटरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में नाश इफ आई वॉन्ट टू फाइट न छोटे मोटे लड़ाई नहीं लड़ू मैंने इट है फिय ऑफ सच थिंग्स बिकमिंग ए पैंडमिक वेरी स्ट्रॉ गैस इस पॉडकास्ट में इस बेखौफ बातचीत में हम बात कर रहे हैं महेश्वर पैरी जी के साथ महेश्वर जी एक एस्टीम बैकग्राउंड से आते हैं क्वालिफाइड हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है साथ में बेखौफ हैं और उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और होगा फील्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए इज फाउंडेड करियर थ्री जो बड़ा इजी कर देता है एक स्टूडेंट के लिए करियर में कोई भी राह चुननी है कुछ मिनटों में अपने करियर की काउंसलिंग भी मिल जाती है यह भी पता चल जाता है कि आ, किस जगह से मुझे पढ़ना चाहिए महेश्वर पैरी ने अभी फिलहाल एक जो बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है संदीप महेश्वरी वर्सेज विवेक उसके बारे में भी उन्होंने बात करी क्योंकि शायद उन्हें कुछ सिमिलैरिटीज मिली आई और इस मॉडल में जो विवेक बिंद्रा का मॉडल है बड़ा बिजनेस मॉडल और उन्होंने कुछ डेटा और फैक्ट शेयर किए कुछ ट्विटर थ्रेड शेयर किए जिनको पढ़ने के बाद आ, मेरे को लगा कि मुझे महेश्वर पेरी से बात करनी चाहिए उनसे बात करके शायद इस विषय में हम और ज्यादा डीप डाइव कर पाएंगे और पीपोए का तो मतलब यही है पीप करना कुछ सरप्राइज एलिमेंट निकालना जिनके बहुत सारे ईमेल्स हमें भी आ रहे हैं उनके पास क्या रास्ता है उसके ऊपर थोड़ी और रोशनी डालेंगे तो चलिए बात करते हैं महेश्वर पेरी से और मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन ये बातचीत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा सुपर वैल्यू वाली होने वाली है तो इसको अंत तक देखिएगा और जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सच जानना जरूरी है और बेखौफ बातें समझनी जाननी जरूरी है उनको ये मैसेज और ये पॉट का जरूर शेयर करना नमस्ते महेश्वर पेरी जी कैसे हैं आप थैंक यू सो मच आई एम गुड ओके फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने ये मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और uh, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस देखो बातचीत में जितने भी हमारे ऑडियंस है वो चाहती है रियल कॉन्वर्सेशन इस पॉडकास्ट की मुझे लगता है बहुत सख्त ज़रूरत है इस कॉन्वर्सेशन की बहुत सख्त जरूरत है वो भी आपके साथ मैंने जितना भी आपके बारे में जाना है जितना भी ऑडियंस देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे बिग इवेंट्स दैट हैपन इन द लास्ट डेकेड केड विच वॉज योर फीयस बैटल अरिंदम जी के साथ जो आई 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 पी एम के प्रमोटर रहे हैं और जो आपने जो आपने किया आई थिंक वो करना बहुत लोगों तो की बस की बात नहीं होती और वो हम आगे डिस्कस करेंगे बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट बट करंटली महेश्वर जी आपके मैंने इंटरव्यूज देखे और आपके कुछ ट्विटर थ्रेड्स देखे जो मेरे को बहुत सारे मेरे ऑडियंस ने भेजे हैं एंड आई वॉज सो इंट्रीग्ड कि मुझे आपसे बात करनी है और जानना है कि आप क्या समझते हैं कि आजकल के जमाने में जहाँ डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सक्रिय है कैसे जो यूथ है वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि क्या चीज हमें एक्चुअली में हेल्प करेगी और क्या चीज से हमें बचना है इस पॉडकास्ट का इस कॉन्वर्सेशन का सोल मकसद ये नहीं है कि हम किसी कंट्रोवर्सी पे बात करें किसी एक इंडिविजुअल पे बात करें पर इसका सोल मकसद ये है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर पाए और महेश्वर जी आपसे बेटर पर्सन शायद और कोई नहीं होता इस बारे में बात करने से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग

बहुत ही वलरबल रहते हैं बहुत ही गलबल रहते हैं बहुत ही दे दे फॉल 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 फॉर फॉर फॉल्स मिसलीडिंग क्लेम्स देखो इंडिया में ना पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो इट्स द बिगेस्ट टूल ऑफ एम्पावरमेंट इन अ डेमोक्रेसी मैंने माय मेड सन कैन से दैट शी विल बी द द बॉय कैन बी बिगर देन मी बाय बायिंग वेल लाइक हमने करियर hmm. लॉन्च किया था आकाश डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर कलाम ने लॉन्च किया था तो वो जमाने wow. में जब मैं लॉन्च कर रहे थे कर रहा था तो uh, बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह कुड नॉट अ कॉल फ्रॉम ऑफिस सेइंग कि ही ही कांट कम बिकॉज वाज फाइटिंग बैटल इन द पार्लियामेंट वुमेन्स रिजर्वेशन चल रहा था तभी भी है ना तो एंड दे सेड व्हाई कांट वी सेंड कपिल सिब्बल टू लॉन्च द मैगजीन मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए कपिल सिब्बल नॉट बिकॉज आई डिस्ट्रस्टेड कपिल सिब्बल पर मेरा मकसद यह है कि माई प्लेटफॉर्म शुड सर्व पीपल हु बिलीव इन एजुकेशन एंड हैव बिकम द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द कंट्री डॉक्टर सिंह एंड डॉक्टर कलाम

So, you can become the most powerful person in the country. And that is the biggest tool of empowerment. You don't need to be born to a rich man. You don't need to be born to a powerful man. If you believe in education, it can lead you there. And that is a promise. No person should be allowed to violate that promise. Because they turn that into a business. See, the thing is, you know, ultimately all even universities also have to earn money. unko bhi thoda profit chahiye ताकि reinvest kar पाएं वगैरह, hai na par false promises se false claims se bachcho ko cheating karte hue jahan unke दो-तीन साल निकल जाएंगे और 10-15 लाख निकल जाएंगे, पर उनके more than all these things ना, उनके पूरे dreams निकल जाएंगे. Because they believe that they, like in the case of IIPM, उन्होंने promise किया वो MBA दे रहे हैं, वो MBA नही उन्होंने प्रॉमिस किया दस लाख का सैलरी मिलता है वो नहीं हो रहा था उन्होंने हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट बुलाया हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट नहीं था उन्होंने फॉरन कोलाबोशन यूनिवर्सिटी बात किए थे वो फॉरन कोलाबोशन नहीं थे वो पूरे गलत थे उन्होंने बोला ये सब कंपनी हमारे पास रिक्रूट करते हैं वो नहीं कर रहे थे जो आई में नहीं जा पाता है जो अच्छे बी स्कूल में नहीं जा पाता है ये फुल पे जायज देखते हैं और समझते हैं अच्छा यार मैं इधर चले जाऊंगा दस लाख फी डालेंगे

So, when you violate a career, it's as good as you're a murderer. Yes. When I took on IIPM, I was not just fighting IIPM or Arindam Chaudhary. I was fighting multiple such institutions who are do doing possibly similar things, and I wanted to put the fear of God in them. Or, 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 or the, the ones to who care? would have started. Or the ones Absolutely. who would have no. started by seeing have, this guy. Ex exactly. So, the idea for me is ki, it's not just about it. This is going to become a pandemic. Hmm. We need to stop this and nip it in the bud.

Uh, कोई कु, कुछ ना कुछ तो गेम्स प्रमोट कर रहा है सो आई जस्ट वॉन्टेड ये सारा फसाद चल रहा था वॉट डिड द बैटल लुक लाइक वॉज इट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देवर सो मेनी पीपल हुइजमेंट प्रोग्राम आई बिलीव दन बुक विच वॉज ऑल्सो प्रमोटेड वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स आउट दाहरुख खान तो जब लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं किसी पे और वो सब प्रमोट कर रहे हैं उस चीज को वट बैटल like like, no, आपने देखा होगा दिस बैटल में था चंडीगढ़ में था देहरादून में था दिल्ली में था मान कहा था ये बिकॉज हमारे करियर्स में एक स्टोरी क्या थी हमने बोला आई जो बोल रहा है वो सच नहीं है दैट ऑज स्टोरी वॉज आई आई पी एम बेस्ट ओनली इन क्लेम्स दैट ऑज द स्टोरी

Yeah, like, uh, like आपका uh, एक, एक ही आर्टिकल uh, में देखा की नो हाउ डिड यू बस दैट एंड इट वॉज द आउटकम वॉज दैट ये दिख रहा था कि कोई एक सिस्टर कंसर्न थी जहां बच्चे प्लेस हो जाते थे जस्ट टू यू नो जैक आप दी

ठीक hmm. है पर तीन महीने के बाद उसको काट देते हैं बिकॉज वो ही वुड नॉट बी एबल टू अचीव हिस्स टारगेट्स टारगेट्स विल बी सो अन अचीवेबल पहले अपने भाई बंधु बहन उन सबको ला देते हो आप बेच देते हो उसके बाद क्या करते हो आप इट इज सिमिलर टू मल्टी लेवल मार्केटिंग और एफिलेट मार्केटिंग जहां आप क्या करते हो द फर्स्ट सेट ऑफ बायर शुड बी योर क्लोज सर्कल

Uh, yeah, absolutely. He was promising he mane... that I'm giving giving a degree and then placements and the package. Comparison to... first he will say best better than IIMs. Ha. Uh -huh. Right. I that was the campaign, that. if you recall, right. And then MBA <laughs> used Then they do a ranking where they're comparing themselves with B schools which are proper MBA institutions. Hmm. And then they will talk of some MBA coming from Buckingham or IMI Belgium, and these kind of things. So hmm. basically, it's all camouflage to. कन्वे मैसेज कि मैं तेरे को एमबीए दे रहा हूँ और ये एमबीए ये आईएम से अच्छा है ये आईएमआई से अच्छा है या कॉरनेल से अच्छा है सो आई आई गॉट इट नाउ व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर आल्सो क्योंकि व्हाट यू आर सेइंग इज कि इन अ वे जो बच्चे जो ए स्कूल्स में या बी स्कूल्स में नहीं पढ़ पाए

एडवांस एनालटिक्स कोर्स फ्रॉम आई एम अहमदाबादियाबाद और मैंने एम बी ए जो किया महेश्वर जी मैंने किया जब मैं जनपैक में काम कर रहा था उस टाइम पे काम करते करते मतलब आप मान लीजिए बारह चौदह घंटे काम उसके बाद चार पांच घंटे पढ़ना yeah. तो ये रूटीन होता था मेरा और मैंने ये देखा कि जब मैं एम बी ए कर रहा था जितनी मैं पढ़ाई और जितने जितनी भी केस स्टडीज जितनी भी रिसर्चेस हम लोग कर रहे थे उस वक्त वो अप्लाई कर रहा था ऑन द जॉब और मुझे लग रहा था ये सही तरीका है

मेड यू गेट इन टूट दिस क्योंकि यू you नो know, जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है मिस्टर संदीप महेश्वरी और मिस्टर विवेक बिंद्रा के बीच में उसके बीच में जैसे ही आप आए तो मैंने देखा अभी तक तो बात हो रही थी दो मोटिवेशनल या क्रिएटर्स के बीच में पर जैसे ही आप आए आप ऑथेंटिसिटी लिया है बिकॉज योर आर्ग्यूमेंट्स नॉट बेस्ड ऑन saying things or or putting any kind of allegation or making statements bold statements bold you you it up with with data and you come with that background people everywhere उंडल महेश्वर जी आ गए तो तो, you know, कुछ निकलने वाला है तो आप मुझे ये बताइए जैसे दस दिन का एम बी ए मेरा भी इसमें एक है मतलब अपना खुद का ओपिनियन बट वॉट यू थिंक कि टेन डे एम अगर वो डिग्री नहीं प्रोवाइड कर रहे और वो प्रॉमिस डिग्री नहीं कर रहा एक मार्केटिंग कैंपेन है डोंट यू थिंक ये रिस्पांसिबिलिटी उन बच्चों की भी है जो इसमें रजिस्टर कर रहे हैं या दिस इज कंप्लीटली यू नो समथिंग विच शुड नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट गाइस नाउ एट दिस टाइम मैं आपसे बात करना चाहूंगा एसएमपी के बारे में एसएमपी है एक सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम जहां ईमेल्स के थ्रू फ्री में मैं आपको बताता हूँ क्या वो टूल्स हैं क्या वो मेथड्स हैं क्या वो कॉन्सेप्ट्स हैं कोई भी वो टूल्स और मेथड जान के उसको किसी तरह भी लिवरेज करके अपने करियर या अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन या अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी पर्सनलिटी को इम्प्रूव कर सकता है मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ मैं यहाँ आपको ये यह नहीं बोल रहा की आपको कोई बहुत बढ़िया पैकेज मिल जाएगा मैं कोई मार्केटिंग इम्पेक्ट नहीं कर रहा है मैं ये नहीं बोल रहा आपका बिजनेस रातों रात ऊपर तक पहुंच जाएगा बट हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि हम लाइफ में जब बिना मेथड्स के चलते हैं रैंडमली उसको जीते हैं बहुत भीड़ चाल की तरह हम लाइफ को जीते हैं एक ऐसी लाइफ जीते हैं जहां हमें पता ही नहीं

मैं आपको दूंगा एमबीबीएस का डिग्री यू नॉट सेइंग कि मैं डिग्री दे रहा हूं पर एमबीबीएस हूं मैं और आपके घर के बाहर रहेगा आकाश एमबीबीएस hmm. पेशेंट hmm. आएगा आप आएगा? उसको ट्रीट करोगे करोगे बिल्कुल और बाद में बोलोगे नहीं मैंने डिग्री नहीं बोला इधर सी सर्टन थिंग्स आर टेक्निकल टर्म्स वेन यू से यू कॉल इट 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 इज इज लॉयर और यू अंडरस्टैंड लॉ सी ऑल प्रोग्राम्स दैट यू हैव इट कैन बी एमबीए और 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 एमबीबीएस एलएलबी व्हाटएवर There are a set of academics and industry which got together saying that if you a master's in business administration, baat karna hai, you need to study so much. You need, you need to study the following. You need to understand the following, and then we'll give you a degree called master's in business administration. <laughs> Bachelor's and master's are legal terms. For example, you can always say PGPM, Postgrad programming marketing. Hmm. It is not a degree. Hmm. सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इज नॉट ए डिग्री करेक्ट बहुत लोग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दे रहे हैं पर hmm. इनका दुकान ना नहीं चलेगा कि in, uh, uh, के hmm. देखो उसे यूज करना पड़ेगा इन्हें नहीं करोगे तो बिकेगा नहीं और यूज करना इज इलिगल बिकॉज यू टॉकिंग ऑफ एमबी वॉट इज एमबीए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स इज अगल टर्म इट्स डिग्री

कम विद एक्सपेक्टेशंस कि हाँ मुझे वो सब कुछ यहाँ जो कहीं ना कहीं मुझे एक बड़े इंस्टीट्यूट में इतना पैसा खर्च करने के बाद मिलता वो मुझे यहाँ फ्री मिल रहा है नाउ द अदर पार्ट इज दैट यू नो वाइल दिस इज समथिंग यू डेफिनेटली टॉक अबाउट बट यू ऑल्सो स्पोक अबाउट अ नंबर आपने एक नंबर के बारे में बोला पच्चीस करोड़ ज वन ऑफ दी एडवर्टीजमेंट राइट जहाँ बोला कि पच्चीस करोड़ स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे हैं मेरा एक सवाल भी है और इसमें आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल्सो वॉट यू थिंक अबाउट इट क्योंकि इंडिया की पॉपुलशन एक सौ बयालीस करोड़ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सात परसेंट है विच मेक्स इट टेन करोड़ तो आपने भी यह क्वेश्चन पूछा ट्विटर थ्रेड में और मैंने थोड़ा सा और डेटा शेयर किया कि पच्चीस करोड़ का नंबर कहां से आया दीज नंबर वेन वेनबडी पुट दिसंड ऑफ एडवर्टीजमेंट तो ऐसा क्यूँ है कि एक महेश्वर पेरी जी को आना पड़ता है और सवाल पूछने पड़ते हैं

इंडिया में आज के दिन में एजुकेशन इकोसिस्टम फ्रॉम केजी जी टू पोस्ट ग्रेजुएशन बत्तीस करोड़ बच्चे सिर्फ यूजी एंड अब में साढ़े तीन करोड़ बच्चे हैं और ये साढ़े तीन करोड़ बच्चे बारह सौ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और अबाउट पचपन हजार कॉलेज में पढ़ते हैं सो यू कैन ऑलवेज से इंडिया में ना इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है बट दे नॉट भी स्टूडेंट दे केन बी एनी वन देट भी ट्वेंटी इन द कंट्री गुरएम्प्लॉयड वो अलग बात होती है दोनों अलग अलग चीज है

वो बकवास है बकवाइन mm. अगर आप देखोगे ना अप टू क्लास द गर्ल एंड बॉय पार्टिसिपेशन रेशियो इन एजुकेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर उन्नीस बीस का ही फर्क है इट चार्ट डाइवर्जिंग आफ्टर द चाइल्ड गोस टू अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड बच्चे की शादी कर देते हैं और इफ दे दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज से हैं बच्चा पढ़ लेगा लड़की घर पे रहेगी ऑल दोस थिंग्स बट जब तक आपका स्कूल है बिकॉज इंडिया में पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग आप हर जगह आपको गवर्नमेंट स्कूल मिलेगी उधर

उनके जो डेटा और फैक्ट्स थे बड़े ही हिले हुए थे तो मैंने क्या किया एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाया और एक एक फैक्ट को मैंने उसकी धज्जियां उड़ा दी विद प्रॉपर रिपोर्ट्स एंड बैकडअप डेटा ऑथेंटिक सोर्सेस से मेरे पास पांच करोड़ का नोटिस भेजा उन्होंने <laughs>

और दो साल से आ रहे थे कि भाई हमारे साथ स्कैम हुआ है हमारे साथ ये हुआ है हमारे पे तो कि नहीं कोई होगा हो सकता वो मैसेजेस डीप रिसर्च बट अभी क्या हुआ रिसेंटली वेन दिस केम आउट जब संदीप महेश्वरी ने एक, एक वीडियो किया उसमें दो बच्चों ने अपनी स्टोरी बताई और बताया कि कैसे उनके साथ ये हो रहा है प्रॉब्लम हो रही है जहा नाम नहीं लिया गया था

Hmm. तो बी स्कूल में बोलो, बोले, बोलते हैं वो बोलेंगे आपसे कि आप दो साल पढ़ोगे तो लास्ट ईयर हमारे ये ये सैलरी इतनी एक सौ बीस बच्चे एक सौ बच्चों को प्लेसमेंट हुआ है उसमें ये दस बच्चों को इधर गए हैं ये तीन बच्चे इधर गए एंड दे ने इनसे कुछ कोर्स खरीदा वगैरह हिम गिव द डेटा ऑफ वन लाख नहीं रहेगा इनके पास राइट बिकॉज दीस पीपल रिली ऑन शोइंग ऑफ एनिक डोटल डेटा एक बच्चे को सामने लाएंगे जो आके बोलेगा मैंने आईबीसी करवा दिया मैं इधर भागलपुर में करता हूं मैं लास्ट से लास्ट महीने का मेरा अर्निंग है छह लाख रुपया दैट इज एनिक I'm not even getting at it whether it's a lie or a truth. मैं उधर जा ही नहीं रहा uh, true, ठीक है But that is anecdotal. वो एक बच्चे का सक्सेस cannot be hundred thousand people's पीपल सक्सेस possible potential success. इट्स लाइक शोइंग विराट कोहली एंड सींग देखो आप ठीक से कोचिंग करोगे ठीक से ट्रेनिंग करोगे ना हम मैं आप सबको विराट कोहली बना दूंगा नहीं एक ही विराट कोहली रहेगा स्टैटिस्टिक्स so, लैंग्वेज में वी डोंट इवन कॉल दिसंपल वो सैंपल इकट्ठा करनेबलीम और सिस्टमैटिक ग्रुप विच इज होमोजीनियस टू अड एक्सटेंट्स फिर आप एक प्रॉबेबिलिटी भी आते हो कि ये मैं कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि यह पॉपुलेशन को डिटर्माइन करता है प्रिडिक्ट कर सकता है आप एक बच्चा उठा के said, विराट को उठा के मैं नहीं कह सकता hmm. कि जो जो बच्चा दिल्ली से आता है because विराट कोहली दिल्ली दिल्ली से है, तो सारे दिल्ली के बच्चे ऐसी वो दिखाते हैं मुझे एक बच्चे का सक्सेस मुझे बताइए बड़ा बिजनेस में कितने बच्चे अप्लाई एप, किए थे कितने बच्चे पढ़े हैं और उनका क्या हुआ स्केल

I'll simplify this whole conversation, right? Hmm. Between IAPM business and Bada Business, the only difference is this. IAPM just lacks of students to thousands of students, lacks of fees to thousands of students. This guy is charging thousands of fees to lacks of students. Hmm. The TG is the vulnerable, gullible tier 2, tier 3 town youth. Hmm. 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 So, big problem, uh... कहीं ना कहीं ये नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग एम एल एम एल एम कर रहे हैं आई थिंक अगर उस डिस्कशन को हम साइड में कर दें एक बहुत बड़ी यहाँ दिक्कत ये यह है कि आपका प्रोडक्ट जो है एक तो फॉर एग्जाम्पल वो है क्या और वो किस टारगेट मार्केट के लिए बना है और बेचा किसको जा रहा है अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ एक आईफोन बनाता हूँ एक इंसान को देता हूँ जो इसका शायद जो वेज है डेली वेज पे वो काम कर रहा है वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है और वो कमाता पांच सौ तो क्या मैं वो आईफोन ले जाके उस इंसान को दूंगा और बेचूंगा कि इस आईफोन से तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी और झेंगा लाला हो जाएगी तो आई बिलीव यहाँ एक और चीज सामने ये आ रही है कि ये ऑल्टरनेट है एक शॉर्टकट है आप इसको अप्लाई करो आपको वर्क नहीं करना दूसरा जो ड्रीम खरीद रहा है वो ड्रीम खरीद रहा है कि मैं उस काबिल बनूंगा वो स्किल सेट मेरे में आ जाएगा बट

से 500 है इसके बारे में साढ़े चार सौ से पांच सौ और इनका ना फी बॉटल भी नहीं रहता आकाश वो बोलेगा एक लाख का फीस है आप मेरे अभी तो आपसे बोला जाएगा ठीक है तो पच्चीस हजार पे कर बाकी इंस्टॉलमेंट कर लेना कर है तो किसी ने सत्तर हजार दिया किसी ने पच्चीस हजार दिया आपके hmm. पास पैसा भी नहीं रहेगा ना तो क्रेडिट कार्ड दिलवा देंगे लिमिट ऑफ थर्टी थाउजेंड रुपीज थर्टी थाउजेंड स्वाइप कर देंगे

इट सिंपली कैनॉट बी दैट यू नो ये मच ऑफ यूर रेवेन्यू फ्रॉमचाइजीबल राइट विच एसेंशियली मीन दट इज क्रिएटिंग अ फ्रेंची नेटवर्क विच इज अल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम कैन यू इलेबोरेट दिस महेश्वर जी बिकॉज जब आप बोलते हैं फ्रेंचाइजी फीस एंड इट वुड बी मल्टी लेवल मार्केटिंग थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे वेरी टेक्निकल आकाश बट रहेंगे ये सब रहेगा वगैरह वगैरह एंड दिसवेस्ट राइट बट द मनी दैट ऑफ इट इज फॉर द स्टॉक दैट गेट इन अगेंस्ट दैट राइट बिकॉज यू हैव टू स्टॉक यूर स्टोर विद गुड्स ऑफ इट इज ए डिपोजिट टू गेट दो स्टॉक्स इन And they keep hmm. getting replenished. Now the bada business model is that what I've sold to you, you can sell it to the second person, and the third person. Which means ah. this good is to perpetuity. Got it, got it. It cannot be written off. कई-कई hmm. ऐसे franchising networks हैं अभी ये कॉर्ड बी बीच में आया था चाय का franchising network. तो उसमें एक इंसान बोलते हैं वो भी motivational speaker ही बन रहे थे. उन्होंने तो बोला कि मेरा चाय का बिजनेस का फ्रेंचाइजी आप खरीद लीजिए और आपकी इसकी आपकी पांच दस लाख रुपए दे दे दो इसके आपको मैं फ्रेंचाइजी दे दूंगा और आप चाय बेच के करोड़पति बन जाना देखो चाय देश में सब पीते हैं और मोदी जी भी पीते हैं तो जब मोदी जी पी रहे हैं चाय, तो चाय ऑब्वियसली तो... इंडिया में आ, बहुत अच्छा बिजनेस है पर क्या वो ऐसा बिजनेस है जो कि की मैकडॉनल्ड्स की

बड़ा तो मैंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल वही पीडब्ल्यूसी और डेलॉइट और केपीएम जी वाला टर्मिनोलॉजी अनसन यंग में जैसे फॉलो होता है वन ऑफ द भाई हमारे तो ऑडिटर्स ये हैं अनसन यंग है। तो हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता हम तो बहुत बढ़िया कंपनी है बिकॉज अनसन यंग की रेपुटेशन एट स्टेक इज वेल बट द प्रॉब्लम इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मनी बैक गारंटी की यू you नो know, बात कोई भी बिजनेस करता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप मनी बैक गारंटी कहते हैं कि आपको हंड्रेड परसेंट मनी बैक गारंटी मिल जाएगी अब मान लीजिए कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है पर द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली हर चीज की टर्म्स एंड कंडीशन होती है जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है तो उसमें बोला जाता है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड उसको प्लीज पढ़ लीजिएगा तो मेश्वर जी मेरा ना एक ये भी रहता है इसमें कि मार्केटिंग गेमिक्स को तो आप रोक नहीं सकते पर कहीं ना कहीं आपको अपनी जजमेंट जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए मैंने आपका यू नो आई सॉ यूर पोर्टल करियर थ्री सिक्सटी आई जस्ट टेस्टेड इट यू नो आई वॉज लुकिंग फॉर वन कोर्स इन जर्नलिज्म मैंने देखा कि इट मी सडन थिंग्स आपका एक्सपीरियंस किया आपकी क्वालिफिकेशन किया है एंड इट थ्रू बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट एंड माई एक्सपीरियंस इट थ्रू मी ऑप्शन जिसमें मेरे को उसका प्राइसिंग भी आ गया जिसमें मुझे ये भी आ गया कि अगर आपको ये करना है यहाँ से करना है तो आपको इतना इतना फी देना पड़ेगा यहाँ स्कॉलरशिप अवेलेबल है यहाँ नहीं है डोंट यू थिंक दैट इट इज अप टू द

Everything people can find out, you know, if you leave it to individual discretion, uh, then there'll be a lot of cheating and fraud that happens. Mm -hmm. Like what prevents you from saying that you are issuing shares mm -hmm. to public? Because it comes under SEBI. When you deal with education, it comes under UGC and Minister of Education and all. Everywhere there is a, some kind of a protection mm -hmm. that the state comes in and protects you mm -hmm. from mm -hmm. being fleeced. And that must happen because in any country, this, will, this is bound to happen. रियल you स्टेट know, में कितना होता था टिल दिसलट इंपोर्टेंट दीप्स नहीं गलत चीज खरीद, खरीद रहे तो गलत चीज बेचने क्यों दिया आपने एज ए स्टेट एज ए गवर्नमेंट एज ए कंट्री हाउ डू यू लव सम बाई लॉ बाई एथिक्स बाय मॉरलेशन बाई एवरीथिंग वो तो स्टेट का पावर है वो

Everyone can have access their own options. It can be a FIR in a local police station. It can be a local consumer court case. It can be a cheating case, and fraud case in a in a local court. It can be anything, right? There are multiple options. But typically in these kind of cases, when you want a refund, the be go to consumer court. The issue about local consumer courts is it.

Hmm. और लॉयर्स आई नो बिकॉज दे फाइट फॉर मी ऑल माई केसेस दे विल पुट देयर माइट बिहाइंड दैट नहीं तो अगर आप इफ यू हैसेस अक्रॉस द कंट्री ना उधर अलग अलग लॉयर ढूंढना पड़ेगा वो लॉयर अपने लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है उनका कमिटमेंट क्या है वो सब हमें पता नहीं रहेगा हु मॉनिटर दिस आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट अल्टीमेटली आई एम ए जर्नलिस्ट ट्राई टू डू माई जॉब बट बिकॉज द स्केल ऑफ द स्कैम इज सच

बिकॉज जो भी विक्टिम्स हैं नाउ यू हैव अ प्रोसेस डेट महेश्वर जी ने अभी बताया है आई होप जितने भी विक्टिम्स हैं एटलीस्ट ये देख रहे हैं तो यू हैव दिस प्रोसेस प्लीज कम है कम फॉरवर्ड आप ई मेल एड्रेस पे प्लीज अपने कंप्लेन डाल दीजिए

आई आई होप दिस मैसेज रिचेज आउट टू मोर एंड मोर पीपल बिकॉज आई बिलीव इस पूरी कॉन्वर्जेशन का मकसद अगेन किसी को टारगेट नहीं करना है पर एक प्रॉब्लम को टारगेट करना है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है जिससे कई लोग बच पाए बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम महेश्वर जी मैं ये भी पूछना चाहूंगा एक लास्ट चीज़ है जिसपे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि uh, मैं मैं बहुत उत्सुक हूँ वॉट इज द विजन अराउंड करियर 360? सिक्सटी बिकॉज uh, मैंने जब करियर 360 के बारे में पढ़ा और आप इतने टाइम से इस चीज को सेटअप किया है यू शेयर सम नंबर विच आर लाइक अमेजिंग नंबर वॉट इज दैट मेक्स दिस प्लेटफॉर्म डिस्टिंग एन अ पार्ट इंडिया में क्या होता है ना कोई भी बच्चे से पूछोगे ना तो वो बोलेगा मैं आईआईटी में पढ़ना चाहता हूँ या एम्स में पढ़ना चाहता हूँ या

Then we actually have a demographic nightmare on our hands. What is called demographic dividend? What demographic dividend is where every youth of the country contributes to national nation building and adds a productive value to the GDP. Right? Mm. That's what is demographic dividend. So yeah. the more the younger population, the greater the demographic dividend. Mm. Provided they're constructively employed. Mm. Mm. Just because you're a most populous country doesn't get you a demographic dividend. Mm. Most populous country employing that population to you know contribute to nation building and society building will get you to the dividend. Right. Right. So the objective for us is to ensure that every student has a pathway. Again, up to then maybe these colleges are better for you because this mm -hmm. college charge you less, have a scholarship, and you'll still get something out of it. Mm -hmm. So we need to chart out pathways for meritorious and non-meritorious.

आपका फीस लिमिटेशन है कि आप फीस ज्यादा नहीं दे पाते शायद ये फोर्टी टू में ये पांच कॉलेज है जहां फीस बहुत ही कम है ठीक है और ये पांच कॉलेज में आप अगर, अगर जाना है तो आपको ये स्कोर चाहिए ये मेरिट चाहिए स्टूडेंट टू एनश्योर दैट ही रीचेस हिज ड्रीम और एन एस्पिरेशन और एटलीट गेट्स ऑन टू ए जॉब एट समाइम टाइम सो वॉट वी डू इज वी कवर अबाउट फिफ्टी प्लस कॉलेजेस

जैसे फॉर आई आई जस्ट एक्जाम्पल टॉक अबाउट वन ऑफ माई प्रोग्राम लॉन्च रिसेंटली इट्स अ फ्री प्रोग्राम महेश्वर जी सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम मैं बोलता हूँ उसको और वो पूरा इस चीज पे है जो मेरा पूरा कॉर्पोरेट का बीस साल का एक्सपीरियंस है मैंने ये देखा कुछ आइडेंटिफाई करे टूल्स और मेथड्स जो कि बच्चों के लिए बॉटन बन जाते हैं जैसे यू नो रैंडमनेस वर्सेस क्लैरिटी आप एक रैंडम पाथ पे जा रहे हो आप वो पाथ ही चेंज करते रहते हो कभी कहीं कभी कहीं कभी जॉब कभी, शिफ्ट कभी, कभी. कर रहे हो एक जॉब से दूसरी जॉब एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री पता ही नहीं कहा जाना है क्या करना है बिकॉज यू हैव प्रॉबली नॉट मेड योर गोल्स यू आर नॉट क्लियर अबाउट द पाथ ऑन यू वॉकिंग इट्स एज सिंपल एज दिस कॉन्प्ट दैट आई एम टीचिंग एज पार्ट ऑफ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम विद लॉट ऑफ डिटेल्स कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पास मत जाओ लॉन्ग टर्म सोचो लॉन्ग टर्म गोल्स के हैं तुम्हारे एंड ऑल दैट पर करियर थ्री सिक्सटी में फॉर एग्जांपल इफ आई टू रजिस्टर विद प्रोग्रामी यूनिवर्सिटी ना कोई इसमें डिग्री है ना कोई सर्टिफिकेट है बट मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ तो ऐसा होता है कि आप हमारे, को या हमारे बच्चों के फीडबैक के बेसिस पे हमें हमारा प्रोग्राम एड कर सके है उसमें मतलब इस... uh, okay. you know? जो हमारे पास लिस्ट रहते हैं ना कॉलेजेस या कोर्सेज इनका पूरा डेटा हम गवर्नमेंट सोर्स से लेते हैं हुँ.

और मुझे आई आई एम होपफुल कि ये जो मैसेज और ये जो कॉन्वर्सेशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग आउट कमिंग फॉरवर्ड एंड यू नो बीइंग देयर आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर होपिंग कि यू नो दे विल बी एबल टू यूज एंड लिवरेज द प्लेटफॉर्म एंड यू एज वेल